हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और गाइस कैसे हो आप सब, कमेंट करके बताना। हम सब बहुत अच्छे हैं। और अभी अभी व्यू उठा है, और अभी मैं बता देती हूँ आपको, टाइम हुआ है 7:15 सुबह के, और व्यू अब उठ गया है। और रात ना ये 7 बजे सो गया था, क्योंकि कल ना ये जब सो रहा था तब जल्दी उठा दिया था इसके पापा ने, तो ये फिर सोया नहीं, तो फिर रात को जल्दी नींद आ गई। हाँ ऐसे ही रखो आप। और गाइस आज का मैं आपको बता देती हूँ, आज मम्मी जाने वाली है मार्केट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में शादी है ना, हाथ बढ़ना है हमें, तो इसीलिए तो ये नहीं पता मुझे भी लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि पापा भी जाएंगे साथ में। पापा की छुट्टी है ना, संडे है, तो देखते हैं। अगर लेके गए तो वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी, अगर नहीं लेके गए तो अपना घर का ही बनाऊंगी, तो देखते हैं। चलो आगे आगे क्या होता है, व्यू को भी नहीं पता। व्यू अब बड़ा होगा, बस अब ये बोलता नहीं, जब बोलने लगेगा ना तब और बड़ा लगेगा, है ना। कहाँ से लाया? पापा की दे रहे? पापा की है? हाँ पीट देंगे वे। ले पापा को देखा हो जाओ, बताओ। कल तो वे लेकर आए अपने लिए, आज यू खेल रहा है इससे। क्या करेगा बेटा इसका, क्या करोगे? इसे पता नहीं, मैंने उठा लिया। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे पापा जी के लिए नाश्ता बनाना था। तो रोटी तो मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि ब्रेड रखे हुए थे। पापा जी उस दिन 3 ब्रेड के पैकेट लेके आए थे, तो वे तीनों ही ख़त्म करने थे। जल्दी ही खाए जाते हैं ये, बाद में तो फिर ये एक्सपायर हो जाते हैं, इसलिए हमने ये साथ के साथ शनिवार और रविवार दोनों दिन खा लिए। मैंने भी, व्यू के पापा ने भी, पापा ने भी, मम्मी ने भी, हम सब ने ही खाए। मम्मी सुबह के टाइम चाय के साथ कुछ नहीं लेती, लेकिन ब्रेड थे तो उन्होंने ब्रेड खा लिए, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है वे। तो अभी मैं पापा के लिए ब्रेड सेक रही हूँ घी में लगा के अच्छे से, और तरह उनकी चाय भी रेडी कर दी है। पापा बाहर बैठे हुए हैं आके, उनको भूख लगी हुई थी। और गाइस ये व्लॉग 1-2 दिन पहले का है, संडे का है, यानी कि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने स्टोरी भी लगाई थी, आपको पता ही होगा जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज लग रही होगी, तो प्लीज़ सॉरी गाइस। तो अभी जो है पापा ने खाना भी खा लिया था, और अभी झाड़ू पोछा तो सब हो गया था, बस बर्तन पड़े हुए थे। अभी मम्मी नहा ली थी, मम्मी ने नहा के सर भी धो लिया था, क्योंकि संडे है, फिर अगले दिन मम्मी को व्रत ही रहना होता है, मुझे भी रहना होता है सोमवार का व्रत। तो अभी बहुत दिन हो गए थे मम्मी को मेहंदी लगाए, करीबन शायद तीजू पे ही लगाई थी, जब तीजू थी ना हरियाली तीज, उस दिन लगाई थी, उससे पहले, उसके बाद में लगाई नहीं, और बिल्कुल सफ़ेद बाल हो रहे थे। तो अभी मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आप जल्दी जल्दी मेहंदी लगवा लिया करो, नहीं तो ये जो बाल है ना ये बिल्कुल सफ़ेद हो लिए, और जब सफ़ेद बाल हो जाए तो उनमें खुजली भी होती है, तो मम्मी को ज़्यादा ही खुजली होती है, इसलिए आज खुद ही कहने लगी कि आज मेहंदी लगा दे मेरे सिर में। तो मम्मी बीच में, मैं एक बार व्यू को देखने चली गई, वो रो रहा था, तो इसलिए मम्मी ने पहले ही खोल के रख ली थी। तो अभी मैं आके लगा रही हूँ, और ये तो ना ज़्यादा पतली थी ना गाढ़ी थी, तो बिल्कुल सही थी। और पीछे बिल्कुल ऐसे बाल हो रहे थे, सारे सफ़ेद सफ़ेद से हो रहे थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। जो मम्मी ने घोली थी ना वो मेहंदी एक बार में, वो सारी की सारी तो पीछे ही लग गई। तो फिर अभी मैं दूसरी एक बार और घोल लूँगी, जो बची हुई है थोड़ी बहुत मेहंदी। तो अभी मैं बोल रही थी मम्मी को कि बच रही है क्या, मम्मी बोल रही थी हाँ बची हुई है। तो अभी जो है वो दूसरा पैकेट मैं खोल के लाऊंगी, और फिर उसे भी मम्मी के सर में अच्छे से लगा दूंगी। और अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं, और अभी मैंने सब्जी बना ली है, बस रोटी बनानी रह रही है, और हमें जाना था बड़ोद, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे है ही नहीं, पता नहीं किस टाइम जाएंगे। खुद का भी टाइम हो जाएगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और मैं तो बस नहा तो ली हूँ, मेकअप वेकअप रह गया, वो बाद में करूँगी, देखूंगी। तो कपड़े भी धो दिए मैंने सारे के सारे ही, और अभी कोई भी घर पे नहीं है, ना मम्मी ना पापा ना वीहू ना वीहू के पापा, कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ, नीचे चाचा जी है। अभी ना मैं रोटी बना के रख देती हूँ, क्या पता फिर आके बोलने लगे कि रोटी नहीं बनाई, तो इसलिए मैं अभी रोटी बना देती हूँ, फिर आके खा के फिर शायद निकलेंगे।
गाइस मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे ही हूँ मारी, पता नहीं कोई मुझे लेके जाएगा या नहीं जाएगा। तो गाइज अभी हम सब चल दिए हैं और प्लान कैंसिल हो गया था, पापा जी जाने वाले थे, पापा जी नहीं गए, मैं ही चली गई। पापा बोले कि जब तुम जा रहे होती ना तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे रह लूँगा। तो पापा अपनी मर्जी से रहे, हमने सबने कहा भी कि चलो चलो, वे माने ही नहीं, वे बोलने लगे कि मैं घर पे ही रह लूँगा, तुम लोग जाओ। तो अभी जो है हम मार्केट पहुँच गए हैं, व्यू और व्यू के पापा चले गए हैं दूसरे काम से अपने, और मैं और मम्मी चले गए हैं अपने काम से। तो हम दोनों जा रहे हैं मार्केट में, देखते देखते कि आज भी इतनी भीड़ है, डेली भीड़ रहती है अब तो। जैसे पहले अभी त्यौहार का सीज़न था तब भीड़ थी, अब शादियों का सीज़न आ गया है तो अब और भी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम सबसे पहले आ गए हैं बर्तनों वालों के पास, क्योंकि हमें बर्तन ख़रीदने थे, बाद में दांत बसन ये सब चीज़ें जाती है। तो अभी जो है हम सब बर्तन ख़रीद रहे हैं यहाँ से। इस वाली दुकान पर सब कुछ चीज़ें रेडी थी, सॉरी सब कुछ चीज़ें थी यहाँ पर, छोटे से लेकर बड़े सामान तक। तो मैं भी पहली बार ही गई हूँ, मम्मी की शायद मम्मी पहले से जानती होगी इनको, पुराने टाइम से लेते होंगे यहाँ से सामान, तो मैं तो यहाँ पे पहली बार ही आई हूँ। और अभी जो है ये भैया और अंकल जो है ये सब सामान इन्होंने रेडी कर दिया, और इसे कट्टे में हमने भरवा लिया सारा का सारा सामान। हम लेके तो जा नहीं सकते इसको अपने साथ, तो इसलिए हमने पैक करवा के बिल्कुल अच्छे से इनकी दुकान पर रख दिया था। तो अभी हम आ गए कपड़ों वाली दुकान पर, हमें कार्डिगन वगैरह ख़रीदने थे और उनके लिए भी, मम्मी को अपने लिए भी ख़रीदना था। तो ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे पसंद नहीं आए, एक दो पसंद आए थे वही फिर हमने ले लिए। और अभी ये एक लड़की है, इसको मम्मी बता रही है कि ऐसे ऐसे है, ये पहन के देख रही थी, इनकी शादी होगी पता नहीं है, तो हमें वैसे एक दो बार बात की तो फिर ये भी चली गई अपने, देख रही थी ये भी एक बार टेस्ट करके कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। और हमने भी बहुत सारे कार्डिगन देखे, बहुत सारे, लेकिन हमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। और ये अभी हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर मिले हैं, हम यहाँ पर भी स्टॉल सोल वगैरह देख रहे थे, तो ये यहीं पे इन्होंने हमें देख लिया होगा, तो ये आ रहे थे, ये बोल रहे थे कि फ़ोटो खिंचा लो, तो फिर हमने इनके साथ फ़ोटो ली। और अभी हम उसके बाद आ गए हैं सूटों की दुकान पे, यहाँ से हमने सूट ख़रीदे। और आप गाइस बोलते हो कि आप के सूट जो होते हैं ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि पंजाब हरियाणा साइड ज़्यादा अच्छे सूट होते हैं, वहाँ पर सूट ही सूट है, हमारे यहाँ इधर इतने नहीं है। हाँ हमारे यहाँ सूट पहनते हैं पर इतने नहीं है, जैसे भी है यही सब है। तो अभी हम सारा सामान खरीद के लेके आ गए थे और शाम हो गई थी बिल्कुल। तो गाइज आज मैं नेक्स्ट डे ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी शाम हो गई है। सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए क्योंकि हम सुबह से लगे हुए थे तैयारी में, अपने जो भात वगैरह के जो कपड़े वगैरह है सब कुछ रेडी करने में, ये यहाँ पे जो है सब सामान लग गया है। और अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी, जो जो हम बाद में दे रहे हैं जो भी है सब कुछ दिखाऊंगी, तो वो आपको बताना पड़ेगा आपको देखना है या नहीं देखना, तो इसीलिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। और एक और चीज़ लेके आई हूँ मैं, ये बोतल लेके आई हूँ पानी को गर्म कर रखने वाली, जो हम पिछले बार लेके आए थे ना वो इतनी गंदी थी ना गाइस क्या बताऊँ, थोड़ी देर बाद ही उसमें एक दो घंटे बाद ही पानी जो है ठंडा हो जाता था। और उन्होंने ना बटरफ्लाई की दी थी हमें कि इसकी गारंटी है ये है वो है, लेकिन वो चली बिल्कुल भी नहीं, फिर हमने वापस नहीं की, हमने सोचा कि चलो कोई नहीं ठीक है। बस हाँ ये है कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर जब हम बर्तन वगैरह खरीद रहे थे तो मेरे याद आ गया कि हमें ये भी चाहिए, तो हमने ये भी ले ली। और एक और चीज़ लेके आई है ये कढ़ाई इंडक्शन के लिए, क्योंकि इंडक्शन पे ना हमारी जो ये कढ़ाई है उनकी तली बिल्कुल हल्की हो रही थी, तो इसलिए ये वाली कढ़ाई लेके आए। ये है तो वैसे सिल्वर की, पर वे बोल रहे थे कि जो इसकी तली है वो इंडक्शन पर भी चल जाएगी, तो इसलिए हम यही ले कर आ गए। और ये करीबन 5 किलो की तो होगी, ताकि इस मतलब 5 किलो की इसकी क्वान्टिटी होगी, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। तो ये सब ले बस ये दो चीज़ लेके आई हूँ, और एक और चीज़ लेके आई हूँ मैं आपको अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ जब मैं लेके आई हूँ अपने लिए, बाकी जो भात का सामान है वो नहीं दिखा रही अभी। तो ये मैंने एक सूट बनवाया था अपना, इसे मैंने खुद कस्टमाइज कराया है ये है, और ये इसके ऊपर ये गला बना हुआ है डिज़ाइन का थोड़ा, तो इसका और ये मैंने साड़ी में से बनवाया हुआ है, मम्मी की साड़ी रखी थी तो उसमें से ये मैंने फ्रॉक बनवा लिया अपना। और इन दोनों के मैं नीचे लैगी लेके आई हूँ, लैगी नहीं पैंट लेके आई हूँ, पैंट तो यही है नॉर्मली ये वाली, ये पैंट लेके आई हूँ, ये तो मम्मी की लैगी है। और ना मैं हम ना व्यू के लिए जैकेट लेके आए थे, सबसे छोटा साइज लेके आए थे, लेकिन ये भी नहीं उसको आया, ये भी बड़ा हुआ है, तो मुझे कल भी जाना है एक बार बड़ो, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ पर जाना है, वो भी आपको ब्लॉग में दिखेगा कल क्या करवाऊँगी मैं क्या नहीं करवाऊँगी। मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ये जो मेरे गड्ढे हो रहे हैं ना तो इनके लिए मुझे क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तो वो मैं आपको कल ही दिखाऊंगी, देखती हूँ कल क्या बोलते हैं जो डॉक्टर है वे। मैं करवा चौथ के टाइम पे भी गई थी लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी करवाना होता है, तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि जब नेक्स्ट टाइम जब कुछ फंक्शन वगैरह जब होगा तब आइयो, तो इसीलिए कल जाएंगे हम। आज तो यू के पापा चंडीगढ़ गए हुए हैं
तो वे शाम तक आ जाएंगे, कल जाएंगे। मम्मी से भी बात हो गई, मम्मी बोल रहे ठीक है चले जाइयो, तो इसीलिए मैंने आज सारा काम अपना निपटा दिया है, जैसे कि कपड़े वपड़े सब धो दिए, बस प्रेस रह गई है। तो अगर शाम को टाइम मिला तो शाम को प्रेस कर लूँगी। तो अभी मम्मी और व्यू गए हुए हैं मिस्त्री को चाय देने, क्योंकि घर में मिस्त्री लगा हुआ है ना, तो सुबह शाम उनकी चाय जाती है। तो अभी मम्मी चाय लेके चली गई, और क्या, और एक बेडशीट भी लाई है, जिसकी दुकान से हमने बहुत सारा सामान लिया ना, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे बेडशीट बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल भी रुआ नहीं निकलता ये वो, तो हम एक ही ले आए हैं अभी अभी। तो अगर हमें अच्छी लगी, ये देखो जब बेड पे बिछाऊंगी तब दिखाऊंगी और अच्छे से, ये है गरम। वे बोल रहे थे कि बिल्कुल भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए हम एक लेके आए हैं, अगर हमको अच्छी लगी यूज़ करने के बाद तो फिर और लेके आएंगे, तो इसलिए अभी एक ही लेके आए हैं। और कुछ नहीं, बस गाइस बस ये सामान ले गई हूँ अपने, तो और सारा हम बात कहीं ले गया है। तो चलो गाइस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट करके बताना आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और गाइस भात वाली वीडियो को तो आपने अच्छा प्यार दिया है, तो आगे भी ऐसे अपना प्यार बनाए रखो, जल्दी से मेरे 10K करा दो, बस होने ही वाले हैं, एक दो दिन में हो ही जाएंगे वैसे तो, पर फिर भी आप जल्दी से 10K करा दो। और वीडियो को शेयर किया करो गाइस, प्लीज़ शेयर किया करो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। आप एक शेयर कर दोगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आप एक लाइक कर दोगे आपका कुछ नहीं जाएगा, आप सब्सक्राइब कर दोगे तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।